अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बेसिक एजुकेशन की, और यदि किसी के चार्ट में वो बेसिक एजुकेशन प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है तो उसको हम कैसे पुष्ट करेंगे या हम कैसे देखेंगे कि वो एक्चुअली में व्यक्ति पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। याद रखिए कि D1 चार्ट या आपका नेटल चार्ट जो है वो खाली एक पॉसिबिलिटी दिखाता है इस किसी भी एक क्षेत्र में, लेकिन हमें उसके जो संबंध में वर्ग कुंडली है उसको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही ढंग से प्रेडिक्ट कर सके और हम ये विश्वास के साथ बोल सके कि व्यक्ति का उस वर्ग के साथ उसके जीवन में क्या प्रयास रहेगा और या किस तरह से वो उस वर्ग के अनुसार काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने कमेंट्स भी लिखे, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए, बेल आइकन भी याद से दबाइए, आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं राशि चार्ट की, क्योंकि राशि चार्ट जो है वो आपका प्रॉमिस दिखाता है। तो किसी भी चार्ट किसी भी संदर्भ में यदि हम बात कर रहे हैं तो राशि में हमें वो प्रॉमिस देखना चाहिए। जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो बेसिक एजुकेशन या एजुकेशन इन जनरल आपको सेकेंड हाउस से मिलता है और नाइन्थ हाउस आपको हायर एजुकेशन बताता है। तो ये बच्चा जो है वो भी छोटा है, तो उसका जो बेसिक एजुकेशन यदि हम देखना चाहेंगे तो सेकेंड हाउस से देखेंगे। यहाँ पर लग्न कुंभ लग्न बनकर आता है और सेकेंड हाउस मीन गुरु की राशि है। गुरु सेकेंड हाउस का कारक भी है, लर्निंग का भी कारक है, और बुध जो है वो भी लर्निंग के कारक है। अब आप देखिए कि सेकेंड हाउस को राहु देख दृष्ट करें, राहु बुध के साथ बैठे हुए, तो वहाँ पर भी ये हो सकता है कि व्यक्ति या तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ, मतलब दूसरों से हटकर, लीड से हटकर सोचने की क्षमता रखता हो, पढ़ने की क्षमता रखता हो, या पढ़ाई के मामले में एकदम लेजी हो। सेकेंड हाउस को राहु दृष्ट कर रहा है, वो मैलेफिक है तो उसको एफ्लिक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपकी बेसिक पढ़ाई नहीं दिखाई दे रही है। सेकेंड हाउस को मंगल भी अपनी आठवीं दृष्टि से दृष्ट कर रहा है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है जिसे हम स्वहंता योग कहते हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये क्लासिक्स कह रहे हैं। बीवी रमन जी ने अपने अपने प्रेडिक्शंस में बहुत इसका यूज़ किया और कहा है कि यदि मंगल किसी भी भाव को अष्टम दृष्टि से देखता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ मंगल द्वितीय भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहा है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है व्यक्ति के लिए। साथ ही आप देखिए कि गुरु जो है वो चंद्रमा के साथ बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, कौन सा, गज केसरी योग, लेकिन चंद्रमा यहाँ छठे भाव के स्वामी है। यही नहीं, गुरु को शनि भी दृष्ट कर रहे हैं। व्यक्ति कैपेबल है लेकिन पढ़ाई की तरफ से वो एकदम विरक्त है, उसको पढ़ाई करने की कोई इच्छा नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन वो आगे चल के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकने की क्षमता है, क्योंकि शनि जो है लग्नेश होने के साथ साथ नवम भाव में विद्यमान है ये, और गुरु से दृष्ट है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस चार्ट में। लेकिन जब हम करियर, जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई से विरक्तता ये शनि उसको दिलाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम खाली नेटल चार्ट से ये प्रॉमिस नहीं बता सकते, हमको D24 या सिद्धि आमसा जिसे कहते हैं, सिद्धामसा, जो कि हमारे पढ़ने को, हमारे कार्य कौशलता को बताता है, वो देखना आवश्यक हो जाता है। तो आप ये देखिए कि यदि हम D24 का चार्ट लेते हैं, व्यक्ति क्या दिखा रहा है D24 में, D24 में जो लग्न है वो आपका सिंह राशि से बनकर आता है। यदि कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए D1 और D24 का तो एकदम 180 डिग्री का चार्ट है। व्यक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांगली ये बात को बताता है कि उसका पढ़ाई को लेकर जो विचार है वह उसके जीवन शैली से बहुत मैच नहीं करते, या वो बहुत अलग ढंग से पढ़ाई को लेकर सोचता है। अब आप यहाँ सेकेंड लॉर्ड की स्थिति देख लीजिए, सेकेंड हाउस की स्थिति देख लीजिए, वापस पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस की स्थिति और पंचमेश की स्थिति देख लीजिए। क्योंकि सिंह लग्न है तो सेकेंड लॉर्ड जो है वो बुध है, और बुध यहाँ पर प्लैनेट ऑफ वैल्यू है, पढ़ाई को, धन को बढ़ा सकता है, क्योंकि D24 की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई को बढ़ा सकता है। लेकिन
ये बुध मंगल के साथ बैठे हुए हैं और मंगल और बुध की जो सिचुएशन होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। साथ ही ये बुध जो है शनि से भी दृष्ट है। वापस एक तो उनको पढ़ने की इच्छा नहीं है, उनको वो एनर्जी वो नहीं डालते अपनी पढ़ाई में, और एक उनको पढ़ाई से विरक्तता भी है। फिर जब आप पंचम भाव को देखेंगे, हाँ पंचम भाव का स्वामी गुरु जो है वो छठे भाव में डेबिलिटेटेड है, लेकिन सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड को देख रहे हैं, तो किसी तरह उनकी पढ़ाई, फर्स्ट लेवल की पढ़ाई यानी क्लास 10 तक की पढ़ाई तो अच्छे से होने की संभावना है, या रो पिट के भी लेकिन होने की संभावना है, लेकिन इंटेलिजेंस की यदि आप बात करें तो पंचमेश ऑलरेडी डेबिलिटेटेड है, वो भी छठे भाव में, और शनि से भी दृष्ट है, तो इंटेलिजेंस भी हम बोल सकते हैं कि उसका लेवल भी कम है। और ऐसे व्यक्ति को माता को या पेरेंट्स को या घर वालों को थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है ताकि वो व्यक्ति अपनी बेसिक एजुकेशन क्लियर कर ले। तो आप भी अपने पास के चार्ट्स में लगा के देखिए, D24 पे भी लगा के देखिए, ताकि आपको सही सही सटीक जवाब मिले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।